नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है कि चीन भारत से इतना आगे क्यों है इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग में आगे है इसलिए मिलिट्री में आगे हैं, और बेसिकली बेसिक उसकी जो प्रगति है वो इसलिए क्योंकि चीन इंजीनियरिंग में हमसे ज़्यादा आगे हैं। वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, छोटा मोबाइल हो या माइक्रोवेव हो या फ्रिज हो, मेड इन चाइना, पूरी दुनिया की दुकानें मेड इन चाइना सामान से भरपूर है, जबकि इंडिया के अंदर भी मेड इन इंडिया सामान अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो उसकी वजह क्या है? चीन 1950 में भारत से हर एक एंगल से पीछे था। अब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन देख लो, उसकी सेना भारत की सेना के मुकाबले में कमज़ोर थी, उसके पास हथियारों के उत्पादन करने की फैक्ट्रियां कम थी, स्टील का उत्पादन करने की फैक्ट्रियां कम थी, पर कैपिटा गेहूं का प्रोडक्शन, चावल का प्रोडक्शन, हर एक चीज़ में चीन भारत से पीछे था, और अब वो भारत से आगे है। इंजीनियरिंग में आगे हैं उसका, उसके तीन चार बड़े कारणों में से एक है कि चीन की जुडिशरी, अदालत, भारत की जुडिशरी की तुलना में कम करप्ट है, सांठगांठ कम है, भाई भतीजावाद चीन की अदालतों में भारत की अदालतों की तुलना में कम है, और उसी चीन में अमेरिका की अदालतों की तुलना में ज़्यादा। इसलिए चीन है वो अमेरिका से हर एक एंगल में पीछे है। चीन जितने भी मोबाइल बना ले, कोई भी नया मोबाइल बनता है तो पहले अमेरिका में बनता है, आईपॉड है, आईपैड है, कोई भी नई चीज़ बनती है, नया सीपीयू है, तो वो पहले अमेरिका में बनता है, तीन चार साल बाद चाइना उसको कॉपी कर लेते हैं देख के, पर अमेरिका जो हथियार बनाता है चीन उसकी कॉपी नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरी प्रोपराइट पूरी कस्टम टेक्नोलॉजी होती है, मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। इसलिए चीन हथियारों की टेक्नोलॉजी में अमेरिका से सालों साल पीछे है, और शायद इसी वजह से एक दिन चीन है वो अमेरिका के हाथ हो बुरी हाल मार खाएगा, सिवा कि वो अमेरिका के जितना ही डेमोक्रेटिक हो जाए, वो आगे की बात है, और वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है तो चीन का है, हमें हमारी समस्याओं के बारे में सोचना है। तो हमारी अदालतों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद ज़्यादा है न्यायाधीशों में, चीन में कम है। क्यों कम है? ऐसा नहीं है कि चीन में लोग ईमानदार है, या तो वो चाउमीन खाते हैं इसलिए वहाँ के जज है वो रिश्वत नहीं लेते, और यहाँ पे रोटी और सब्जी खाते हैं इसलिए वो ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं है, कल्चर में कुछ नहीं है। ये जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होते हैं वो पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, वो एकदम हम्बग है, झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से डिसाइड होता है। कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, मैं अभी एन्यूमरेट करके बताऊंगा। दूसरा, वहाँ पे ज़मीन की ओनरशिप गवर्नमेंट की है, वहाँ चीन में अभी भी प्राइवेट ज़मीन नहीं है, सरकार ज़मीन देती है 15 साल की लीज़ पे, 5 साल की लीज़ पे, 30 साल की लीज़ पे, मैक्सिमम लीज़ वहाँ पे है, रेजिडेंशियल केस में होती है 60 साल, इंडस्ट्रियल में मैक्सिमम होती है 30 साल, खेती में मैक्सिमम होती है 15 साल। लीज़ पे मकान देते हैं चाइना में, और लीज़ ख़त्म होने के बाद चाइना में कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, वरना सरकार है वो ज़मीन वापस ले लेती है और फिर दूसरी जगह उसको ज़मीन देते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि चाइना भारत से आगे है। तो ये दो फैक्टर से ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है कि इंजीनियरिंग ज़्यादा इंप्रूव हो गई? भाई इंजीनियर को क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई अदालत में भ्रष्टाचार ज़्यादा है, कम क्यों है? तो पहले तो वहाँ की अदालत में भ्रष्टाचार कम क्यों है उसका मैं रीज़न दूँ कि भारत में 16,000 सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 2-3,000 खाली रहते हैं, और अभी 13-15,000 जज ही है, जबकि चाइना में जुडिशरी की संख्या 2,00,000। तो जज के पास टाइम पास का बहाना नहीं है। टाइम पास का बहाना इसलिए नहीं है क्योंकि भाई तुमको इतना ही काम दिया था तो क्यों नहीं कर पाया। हमारे यहाँ क्या है कि जज को टाइम पास का बहाना मिल जाता है, एक एक अदालत में 10-10, 20-20 हज़ार पेंडिंग केस है, इसलिए जज को आराम से टाइम पास करने का बहाना मिल जाता है। और टाइम पास करके वो पैसा कैसे निकलवा सकता है कि कोई आदमी है जिसको बोलेगा कि भाई यदि तुमको एक साल में जजमेंट चाहिए तो इतना पैसा लूंगा, और यदि नहीं दोगे तो 10 साल में भी जजमेंट नहीं दूंगा। और कोई देखा कि भाई ये केस है वो एकदम बोगस केस है, मतलब उसमें जजमेंट दिया तो इस आदमी के फेवर में ही देना पड़ेगा, तो भी वो कैसे अटका देगा उसको कि भाई तू पैसा नहीं देगा तब तक मैं जजमेंट नहीं दूंगा। यदि उसको जज को जजमेंट देना पड़ेगा तो कभी कभी केस इतना ब्लैक एंड वाइट होता है कि उसको उस आदमी के फेवर में ही जजमेंट देना पड़ेगा, पर उसके पास डिले करने का पावर है इसलिए वो डिले करता जाता है ताकि उसको पैसा मिल सके। जबकि चाइना में वो डिले करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है उसके पास, क्योंकि 2,00,000 जज है, एक जज को वो 10-15 पेंडिंग केस ही होते हैं, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि भाई इस केस को मैं 2 साल तक जजमेंट नहीं दे पाया। तो एक ये बात है। दूसरा, तो जुडिशरी का रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो रिटर्न एग्जाम से है।
हमारे यहाँ रिटन एग्जाम नाम का ही है, उसके बाद जो इंटरव्यू होता है उसी के मेन मार्क्स है। वहाँ पे रिटन एग्जाम है वो ब्रॉड बेस्ड है, मतलब जुडिशरी में यदि 2000 लोग लेने हैं तो जैसे यूपीएससी एग्जाम में देश में से 25 लाख लोग 10 लाख लोग 25 लाख तो नहीं पर देश में से 10 लाख लोग रिटन एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पे चाइना में भी जुडिशरी की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होती है उसमें एलएलबी होना जरूरी नहीं है, उसमें वकील होना जरूरी नहीं है, आप मेरिटोरियस हो, इंटेलिजेंट हो तो जज की एग्जाम में बैठ सकते हैं और उसके बाद वो रिक्रूटमेंट एग्जाम में पास हो जाता है। तो यदि उसके पास वकील की ट्रेनिंग है, उसके पास यदि लॉ की डिग्री नहीं है तो उसका उतना 2-3 साल उसको पढ़ाया जाता है, वो सिस्टम हमारे यहाँ भी पॉसिबल है, लेकिन वो नहीं करते जानबूझ के। जज है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो अपने रिश्तेदारों को जुडिशरी में घुसाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम नहीं रखा कि भाई कोई भी आदमी जुडिशरी के एग्जाम में बैठे, यदि वो मेरिटोरियस है, मेरिट है, इंटेलिजेंस है, उसमें लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी है और वो पास हो, उसमें यदि वो नंबर में आ गया, पास हो गया नहीं, टॉप 1000 में आ गया, टॉप 2000 में आ गया, तो इसका मतलब कि वो एलएलबी करने के भी काबिल है। तो अब उसको, उसके पास एलएलबी नहीं है तो पढ़ाओ उसको 1-2-3 साल एलएलबी के कोर्स और बाद में उसको जज की नौकरी पे डालो। पर यहाँ पे कंडीशन रख दिए कि आप एलएलबी होगी तो ही आप जज की एग्जाम में बैठ सकते हो, वहाँ पे चाइना में ऐसी कंडीशन नहीं है। तो उनका जो रिक्रूटमेंट है वो ब्रॉड बेस्ड हो गया, ब्रॉड बेस्ड हो गया यानी ज़्यादा मेरिट वाले लोग आ पाएंगे। अब सेकंड यहाँ पे क्या होता है कि जो बहुत सारे मेरिटोरियस लोग हैं वो सीधा इंजीनियरिंग और मेडिसिन में चले जाते हैं, तो जुडिशरी में वो जाते ही नहीं है, और जुडिशरी में कौन जाते हैं, जजों के लड़के या बड़े वकीलों के लड़के। तो एक तरह के हमारे यहाँ जुडिशरी वो एक खानदानी पेशा हो गया है कि वकील का लड़का जज बनेगा या जज का लड़का जज बनेगा, और वो एक खानदानी पेशा हो गया, जबकि चीन में वो एक खानदानी पेशा नहीं बना, वो एक ब्रॉड बेस्ड रिक्रूटमेंट से होता है। फिर वहाँ पे जो थोड़े बहुत इंटरव्यू होते हैं वो रैंडमाइज पैनल से होते हैं, इसलिए फिक्सिंग मुमकिन नहीं है। रैंडमाइज पैनल से कैसे होते हैं कि 2000 लोगों को रिक्रूटमेंट करनी है तो ऐसा नहीं है कि वो 10000 को बुलाएंगे, 2000 के रिक्रूटमेंट करनी है तो 3000 को ही बुलाएंगे, 3500 को ही बुलाएंगे, या तो कभी कभी 2500 को ही बुलाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि रिटर्न एग्जाम में पास हो गया यानी ये आदमी काबिल है कुर्सी पे बैठने के लिए। अब इसमें कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम हो तो ही उसको रिजेक्ट करना है। तो एटीट्यूड का प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, वो तो 2-5% लोगों को ही होता है कि क्रैक आदमी है फिर भी वो रिटर्न में पास हो गया। तो वो उनकी ये सोच है कि यदि 1000 लोगों को रिक्रूट करना है तो सिर्फ 1100 लोगों को ही, 1200 लोगों को ही बुलाना है, और उनमें से जो लगे कि इन लोगों में एटीट्यूड प्रॉब्लम है उनको ही रिजेक्ट करना है। तो उनका जो इंटरव्यू है वो एक तरह का सिस्टम मेरिट इवोल्यूएशन के लिए नहीं होता, वो इसी के लिए होता है कि भाई इस आदमी में कोई सनकी टाइप की बीमारी तो नहीं दिख रही ना, आउटराइट बीमारी कि भाई ये आदमी एक दिन भी कुर्सी के बैठने के लायक नहीं हो। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि 100 लोगों की सीट होती है तो 300 लोगों को बुलाते हैं, तो इससे जज को काफ़ी बेनिफिट मिला, जो इंटरव्यू लेने वाला है, इंटरव्यू लेने वालों को रिश्वतखोरी करने का चांस बढ़ गया। दूसरा, वहाँ पे रैंडमाइज पैनल इंटरव्यू लेते हैं, मतलब कि 1000 लोग आए इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू लेने वालों की तादाद मान लो 100 लोगों की है, तो एट रैंडम लास्ट मोमेंट पे 5-5 लोगों की टीम बनती है और कैंडिडेट को बोला जाता है तू इस टीम के पास जाए इंटरव्यू देने के लिए, तू इस पैनल के पास जाए, तो और वो एलोकेशन भी लास्ट मोमेंट पे रैंडमाइज्ड होता है। तो इससे फिक्सिंग क्यों पॉसिबल नहीं है कि यदि मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं तो मुझे नहीं पता मैं किसका इंटरव्यू लेने वाला हूं, जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनको नहीं पता कि वो कौन सी पैनल के पास कल इंटरव्यू देने जाएंगे, क्योंकि वो आखिरी दिन पे, आखिरी मोमेंट पे रैंडम एलोकेशन से होता है। जबकि यहां पे क्या होता है कि रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाली है, ये मई का महीना है, रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाली है जून महीने में या जुलाई महीने में, और जून महीने में पता चल जाता है कि कौन इंटरव्यू लेने वाला है, और जनरली एक या दो ही पैनल होती है इंटरव्यू लेने के लिए। तो फिक्सिंग करने के लिए अब मेरे पास पूरा एक महीना है कि भाई इतना पैसा दे तो मैं तेरे को इंटरव्यू में पूरे नंबर दे दूंगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पे जुडिशरी में जब रिक्रूटमेंट होता है तो हद से ज़्यादा नेपोटिज्म और करप्शन के थ्रू होता है, और चाइना में रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें करप्शन और नेपोटिज्म बहुत कम है, न के बराबर है। उसके बाद जुडिशरी में जब प्रमोशन होते हैं तो भी चाइना में भाई भतीजावाद नहीं होता। यहाँ प्रमोशन में कैसे भाई भतीजावाद चलता है कि गुजरात में, जस्ट मैं नंबर दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे याद नहीं है, कि 700 मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के ऊपर का लेवल होता है सेशंस कोर्ट जज, सेशंस कोर्ट के जज के ऊपर आता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में, मतलब मजिस्ट्रेट में कुछ गुजरात में 600-700 मजिस्ट्रेट मान लो,
सेशंस कोर्ट में 200 जज है, हाई कोर्ट में 35 जज है। अब सेशंस कोर्ट में से मान लो 20 लोग रिटायर हुए, तो हाई कोर्ट के जजों को अब 20 लोगों को रिक्रूट करना है सेशंस जज में, तो वो 10 लोग मैजिस्ट्रेट में से लेंगे सीनियोरिटी के हिसाब से, मेरे पर्सनल इवोल्यूशन के हिसाब से, और बाकी 10 लोग एक्सटर्नल रिक्रूटी होती है। एक्सटर्नल रिक्रूटी कौन, जो कि हाई कोर्ट में वकील है और लगा कि हाँ ये जज के जज बनने के लायक है, उसको जज बना दिया। भाई कैसे पता लगा है तुमने जज बनने के लायक है ना, जानना मतलब तुम्हारी जान पहचान है, पब्लिक में तो कोई उनको जान पहचान भी नहीं है। इसमें भाई भतीजावाद और यारी दोस्ती के सिवा कुछ नहीं होता। और कॉरपोरेट लॉबिंग, कॉरपोरेट लॉबिंग यानी मैं जज हूँ और किसी बड़ी कंपनी ने मुझे पैसा दिया कि भाई ये हमारा बहुत ही मतलब हमारे काम का वकील है, इसको जज बना दो, और मैंने उसको जज बना दिया। कॉरपोरेट लॉबिंग आजकल ज़्यादा हो गई है, मतलब नेपोटिज्म जितना ही अब कॉरपोरेट लॉबिंग हो गया है। तो चाइना में ये नहीं है, चाइना में मैजिस्ट्रेट के बाद ऊपर के लेवल के जो जज है उसमें 100% प्रमोशन से आते हैं। जैसे आप यहाँ हमारे यहाँ देखो कि जो कलेक्टर में से सेक्रेटरी बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी की 10 जगह खाली हुई तो 5 कलेक्टर में से लेंगे और 5 किसी भी मिनिस्टर ने अपने मनमाने आदमी को सेक्रेटरी बना दिया। उसको प्रमोशन देना है तो उसको कैडर में से ही लेना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इंटरनल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो सकता है कि कस्टम में किसी ने 10 साल काम किया, वो अब इनकम टैक्स में काम करेगा, वो इंटरनल डिपार्टमेंट, वो एक्सटर्नल रिक्रूट ही नहीं हुआ क्योंकि वो 10 साल उसने कस्टम में काम किया हुआ, किसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हुआ, वो डेप्यूटेशन पे आ रहा है, वो अलग बात हो गई। तो इस तरह से जो प्रमोशन के टाइम भारत की जुडिशरी में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हर एक लेवल पे होता है। सेशंस कोर्ट में 50% मजिस्ट्रेट से आते हैं, 50% यार दोस्त आते हैं। जब हाई कोर्ट में मान लो 10 जगह खाली हुई तो 5 लोग सेशंस कोर्ट में से प्रमोट होके आएंगे, और 5 लोग के कौन होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकील है, हाई कोर्ट में वकील है, उन्होंने कभी जज का मैजिस्ट्रेट का काम ही नहीं किया। तो ऐसे ऐसे लोग हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं जिन्होंने कभी लोअर कोर्ट में पांव नहीं रखे, कभी लोअर कोर्ट में काम नहीं किया, उनको पता ही नहीं है कि लोअर कोर्ट के केस कितने बुरे हाल है और ना उनको जानने में रुचि है। जबकि चाइना में सुप्रीम कोर्ट में जो आता है वो पहले मैजिस्ट्रेट का काम किया होता है, फिर प्रमोट होके ऊपर तक आता है, तो उसको पूरी मशीनरी का A to Z आइडिया होता है। अब तो वहां पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट चाइना की जुडिशरी में किसी भी लेवल पे नहीं है, और चाइना धीरे धीरे ज्यूरी सिस्टम पे आ रहा है क्योंकि उन्होंने भी देखा कि कितना भी पांव हाथ पांव तोड़ दो, हाथ पांव उछाल लो, लेकिन जज लॉयर नेक्सस है, वो जज सिस्टम के ब्लड में है। मैं ये नहीं कहूंगा 100% पर 90-95% जज के सेकंड नेचर होता है कि वकील के साथ सांठगांठ बनाना, अपने रिश्तेदार वकीलों को प्रमोट करना। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि शायद ही कोई पॉइंट ब्लैंक ईमानदार आदमी होगा पूरी पॉपुलेशन में से, 1000 में से 2-5-10 लोग ऐसे ईमानदार हो सकते हैं, होते हैं, मना नहीं करता, लेकिन वो तो हर जगह मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में ईमानदार जो 100 में से पूरी सोसाइटी में से, यदि 100 में से 5 लोग पॉइंट ब्लैंक ईमानदार है तो सबके सब हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाहर कोई ईमानदार ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो हाई कोर्ट में जो 600-700 जज है उसमें से 10% यानी 60-70 जज ऐसे होंगे कि जो नेपोटिज्म नहीं करते, लेकिन बाकी 90% के नेपोटिज्म है उनके रग रग में, ब्लड ब्लड में है। और वो चाइना में भी प्रॉब्लम उन्होंने स्टडी किया, इसलिए चाइना में भी अब धीरे धीरे ज्यूरी सिस्टम ला रहे हैं। तो उसकी वजह से इंजीनियरिंग की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ गई, अब मैं मेन चीज पे आता हूं कि चाइना के इंजीनियर क्यों ज्यादा प्रोडक्टिव है, कि प्रोडक्टिविटी सोसाइटी में इंप्रूव होती है, टर्निंग पॉइंट कौन होता है, वो आदमी जिसके पास 10-20-50 लोगों की कंपनी है। क्योंकि जब उसके पास 50 से ज्यादा एम्प्लॉई होती है, 100 से ज्यादा एम्प्लॉई होती है, तो उसका एम्प्लॉई से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता। अब वो सिर्फ सुपरवाइजर से डील करता है, सुपरवाइजर एम्प्लॉई से डील करते हैं, उसका एम्प्लॉई से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहेगा, यानी एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके अब वो ना सोच सकता है, ना वो इंप्लीमेंट कर सकता है, ना उस पर वो क्लोज मॉनिटरिंग कर सकता है। तो जिसके पास 30-40 आदमी होते हैं वो इनोवेटिव भी होता है, प्रोडक्टिव भी होता है, उसका अपना पैसा दांव पे लगा है, यदि प्रोडक्ट खराब निकला तो उसका ब्रांड नेम डूबेगा, प्रोडक्ट खराब निकलेगा उसका पैसा डूबेगा, यदि वो काम करने का अच्छा तरीका ढूंढता है, 2-5% कॉस्ट कम हो गई तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसलिए वो काफी प्रोडक्टिवली और इनोवेटिवली काम करता है, वो एक एक चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। अब वो आदमी भारत में क्यों उसकी एफिशिएंसी खत्म कम होती है, क्योंकि उसको बहुत सारे सरकारी अफसर परेशान करेंगे, उसको उसके सामने गलत लेबर केस आ सकते हैं, सही लेबर केस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं करता कि लेबर केस सारे गलत होते हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं,
पर वो जब अदालत में जाएगा तो अदालत में बड़ी कंपनियों का क्यों बोलबाला होगा, क्योंकि उनके हाईकोर्ट के जजों के साथ पहचान है और हाईकोर्ट के जज है वो लोअर कोर्ट के जज के ऊपर कंट्रोल करते हैं। चाइना में लोअर कोर्ट के जजों के ऊपर हाईकोर्ट के जज का कंट्रोल नहीं है, अमरीका में भी नहीं है। अमेरिका में लोअर कोर्ट में पहले तो ज्यूरी डिसाइड करती है और लोअर कोर्ट का जो जज है वो अधिकतर इलेक्टेड होता है, हाई कोर्ट का जज उसको सीधा जेल भेज सकता है, सीधा उसको नौकरी से निकाल सकता है, जेल भेज सकता है, पर उसके ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको सस्पेंड नहीं कर सकता, उसके प्रमोशन का कोई पावर नहीं है हाई कोर्ट के जज के पास। इसलिए लोअर कोर्ट का जज है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। भारत में लोअर कोर्ट का जज है वो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जज का गुलाम की तरह काम करता है, क्योंकि हाईकोर्ट के जज के पास पावर है कि उसको कभी भी सस्पेंड कर दे, उसको नौकरी से निकाल दे, उसके सामने कोई अपील वपील कुछ नहीं होता। तो वो एकदम हाईकोर्ट के जज से डरा हुआ रहता है, हाईकोर्ट का जज उसको बोले कि ऐसा जजमेंट देता है तो वो ऐसा ही जजमेंट दे देगा। तो जो बड़ी कंपनियां हैं 5000 एम्प्लॉई 50000 एम्प्लॉई वो हाईकोर्ट के जज से नेक्सस बनाती है और उसके थ्रू वो छोटी कंपनियों को कैसे परेशान करती है कि सच्चा और झूठा केस करके उसको अदालत में घसीट के ले गया और वहां उसको हलाल कर दिया। और वो चाइना में उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि एक तो वहाँ लोअर कोर्ट के जज का नेक्सस कम है और वहाँ पे केस का जजमेंट उसको हफ्ते दो हफ्ते में देना है, तो उसके पास झूठ बोलने के लिए, उसके पास धक्के खिलाने के टाइम नहीं है, धक्के खिलाकर परेशान करने का टाइम नहीं है। और तीसरा कि वो रिटर्न एग्जाम से आया होता है, यानी लोअर मिनिमम मेरिट गारंटीड है, और उसके बावजूद भी अब चाइना में ज्यूरी सिस्टम आती है, ज्यूरी सिस्टम आती है एट रैंडम, 10-15 लोगों को बुलाया जाएगा, तो उसका बेनिफिट क्या होगा पूरी पॉपुलेशन में से, 10 लाख की पॉपुलेशन में से 5 लाख की पॉपुलेशन में, तो उससे एस्टैब्लिश हो जाएगा कि इस आदमी की किसी प्रकार की सांठगांठ नहीं है। अब दूसरा रीजन चाइना पावरफुल है, उसका रीजन है जमीन का कानून। जमीन का कानून कैसे मैटर कर रहा है कि चाइना में जमीन की ओनरशिप गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट लीज पे देती है, तो वहां पे होर्डिंग नहीं हो रही। होर्डिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि सरकार ने जिसको जमीन लीज पे दी उससे किराया लेती है। यानी यदि मैंने जमीन ली और मैं खाली बैठा हूं तो मुझे किराया देना पड़ेगा, मेरे को हर साल घाटा होगा, मैं जमीन सरकार को वापस कर दूंगा। इसलिए इंडस्ट्री को जितनी चाहिए उतनी जमीन मिल जाती है, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी खाली पड़ी है, सस्ते में मिल जाती है। और वो जो किराया है वो कैसे एडजस्ट करते हैं कि यदि आपकी किराया देना है या आपको उतना इनकम टैक्स देना है, दोनों नहीं देना। यानी जो कंपनी जमीन का प्रोडक्टिवली यूज कर रही है वो कंपनी या तो इनकम टैक्स भरेगी या तो उसके एम्प्लॉय इनकम टैक्स भरेंगे, वो भी उसमें ब्रैकेट होता है। मान लो मेरी कंपनी ने बिजनेस किया, जमीन ली और जमीन का किराया आता है 10 लाख, मैंने 20 लाख का इनकम टैक्स भरा, तो अब मुझे जमीन का किराया नहीं भरना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी भर दिया। मान लो कंपनी ने घाटा किया तो इनकम टैक्स तो जीरो हो गया, तो मुझे क्या 10 लाख जमीन का किराया भरना पड़ेगा? तो देखा जाएगा कि भाई मैंने एम्प्लॉई को कितनी सैलरी दी और एम्प्लॉई ने कितना सैलरी पे टैक्स भरा, यदि वो 10 लाख क्रॉस कर जाता है तो भी मुझे जमीन पे किराया नहीं देना पड़ेगा। यानी यदि मैं जमीन का प्रोडक्टिव यूज कर रहा हूं तो मुझे जमीन का कॉस्ट मेरे लिए जीरो हो गई। तो आजकल कोई भी नया आदमी दुकान डालता है, फैक्ट्री डालता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है? जमीन की कॉस्ट होती है। और वो एक तरह का रिस्क क्यों होता है कि यदि मेरी फैक्ट्री नहीं चली तो जमीन का जो किराया है वो तो सारा पानी में गया। तो इसकी वजह से वहां पे जमीन की कॉस्ट है वो इंडस्ट्रियलिस्ट पे कम आती है और प्रोडक्शन ज्यादा है। और छोटे छोटे और भी एग्जाम्पल है, पर वो एडअप हो जाते हैं। एडअप कैसे हो जाते हैं कि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है चाइना में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में डैम बनाने की कॉस्ट के बाद जो बिजली की कॉस्ट आती है वो आज के भाव के हिसाब से मैं बोलूं 20 रुपया प्रति यूनिट आती है। कोयले में आती है कुछ 2.5 रुपया प्रति यूनिट आती है। सोलार सबसे महंगा है, सोलार में आती है कॉस्ट 8 से लेकर 15 रुपये यूनिट तक कॉस्ट आती है। और वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़्यादा है, नदियाँ तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज है वो स्टे ऑर्डर डाल देते हैं। आप कोई भी डैम का प्रोजेक्ट देख लो, सुप्रीम कोर्ट के जज ने हाईकोर्ट के जज ने स्टे ऑर्डर डाल के रखा है। नर्मदा का एग्जाम्पल ले लो, नर्मदा का डैम है 1940 में भाईका का नाम के एक इंजीनियर थे गुजरात में, उन्होंने नर्मदा की योजना प्रपोज की थी कि यदि नर्मदा का और इस तरह का बना तो गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों को छोड़ के कहीं भी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी, कहीं भी बिजली की शॉर्टेज नहीं होगी। उन्होंने 1940 में कहा था कि 40 साल तक 50 साल तक गुजरात को बिजली की शॉर्टेज नहीं होगी, इतना सारा बिजली नर्मदा के डैम से बन सकता है। 1956 में
1950s में भाखड़ा नंगल बैंड बना, उससे उनकी बात कंसेप्चुअली प्रूव हो गई। पहले भाई काका की बात कोई मानता नहीं था कि भाई ये तो बोल रहे हैं कागज पे, क्योंकि उस समय भारत में इतने बड़े डैम बहुत कम थे, न के बराबर थे, 1940 की बात कर रहा हूँ। फिर भाखड़ा नंगल डैम बना तो लोगों को भाई काका की बात सच लगी कि भाई भाखड़ा नंगल से पानी आ सकता है, उतना मिनिमम आधा तो नर्मदा से आ ही सकता है। तो 1956 में उसका शिलान्यास हुआ। उसके बाद एक दो तीन हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज के स्टे ऑर्डर आते गए, तो अभी भी नर्मदा की योजना पूरी नहीं हुई। और 2001 में जो फाइनल जजमेंट आया, उसमें उन्होंने नर्मदा की कैपेसिटी 35-40% कम कर दी। जो डैम की हाइट थी वो कुछ 20-30% कम हो गई, कम करा दी, जो भाई काके की ओरिजिनल 1940 की प्रपोजल थी, जो 1956 की प्रपोजल थी उसके मुकाबले। पानी संग्रह करने की कैपेसिटी थी वो कुछ 30-40% कम हो गई, बिजली बनाने की कैपेसिटी भी 30-40% कम हो गई। वो क्यों? क्योंकि ये जो विदेशी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को पैसा देता है सब स्टे ऑर्डर डालने के लिए, कि भारत में कहीं भी विकास का काम होता है विदेशी लॉबी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के वकीलों को, रिश्तेदार वकीलों को पैसा दे देती है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज स्टे ऑर्डर डाल देते हैं, हमारा डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। चाइना में ये नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से चाइना का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो भारत के मुकाबले कुछ 2 या 3 गुना है। आप विकिपीडिया में देख सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वर्ल्ड करोगे तो दुनिया के सारे देशों का आ जाएगा। तो चाइना में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए बिजली वहां पे सस्ती है। फिर दूसरा रीजन कि चाइना में जो जमीन लीज पे होती है उसकी वजह से खेती का प्रोडक्शन बढ़ गया। कैसे? कि वहां पे जमीन किसान को लीज पे दी जाती है 15 साल के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि उसको मान लो 10 एकड़ की जमीन दी और 1 एकड़ में मान लो 100 किलो गेहूं बन सकता है, तो 1000 किलो गेहूं बन सकता है। तो सरकार उसको कहती है कि भाई हमें तू गेहूं के सिवा कुछ नहीं उगाएगा और 500 किलो गेहूं चाहिए। यानी जमीन से उससे मॉनिटरी किराया नहीं लेते, अधिकतर केस में उससे ग्रेन लिया जाता है। फिर उसने 3 साल तक 500 किलो गेहूं डिलीवर किया, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी चेंज होती है कि अब तू 75% जमीन पे गेहूं उगाएगा, सरकार को 500 किलो देना है, बाकी 25% पे तू कुछ भी उगा सकता है। तो किसान ऐसी चीज उगाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट ज्यादा है, जैसे सब्जियां या फ्रूट है वगैरह। और फिर नेगेटिव लिस्ट भी होता है कि ये चीज नहीं उगा सकता, कि गन्ना नहीं उगा सकता, तंबाकू नहीं हो सकता, इस तरह का एक नेगेटिव लिस्ट होता है। तो वहां पे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म नहीं है, मतलब कि एक परिवार को कितनी जमीन दी जाती है, कि परिवार में 5 लोग हैं तो उतनी ही जमीन दी जाती है जितनी 7-8-9 लोग खेती कर सके। यानी 5 लोगों का परिवार होगा, 3-4 वो लेबर हायर करेंगे, पर ऐसा वहां पे आपको देखने नहीं मिलेगा कि एक किसान है और उसने 100 लेबर हायर करके रखे हैं। उसका रीजन क्या है? ये एक ऑल ओवर वर्ल्ड पिछले 5000 साल से ये है कि जो मजदूर, जो खेत मजदूर होता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है, जो लैंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो आप खेत में मजदूर हो, आप चल रहे हो, आपने देखा कि एक जंगली पेड़ उग गया है, वो जंगली पेड़ यदि आप मालिक हो उस खेत के, तो तुरंत उस जंगली पेड़ को खींच निकालोगे, क्योंकि वो 2 दिन भी जंगली पेड़ रहा तो वो आसपास के गेहूं के या चावल के पौधों को ख़त्म कर देगा। लेकिन आप खेत मजदूर हो, आपका क्या फर्क पड़ता है, आपको तो दिन की तनख्वाह मिल गई, तो आप उसको हटाने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लोगे। यानी ओनर यदि खुद खेत पे रोज आता है, वो खुद खेती कर रहा है, तो उस खेत का पर एकड़ प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसलिए आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन कि चाइना की पर एकड़ प्रोडक्टिविटी गेहूं की, चावल की हर एक में ज्यादा है, पर एकड़ प्रोडक्टिविटी। तो चाइना के पास हमारे पास एरेबल लैंड जितनी है उतनी ही चाइना के पास है। चाइना का भले लैंड एरिया हमसे 2-3 गुना हो, पर उसके पास खेती लायक जमीन उतनी है जितनी हमारे पास है। लेकिन वहाँ पे खेती इसलिए ज़्यादा हो रही है कि किसान को 15 साल के लिए, 20 साल के लिए लीज दी जाती है और वहाँ पे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड का सिस्टम नहीं है। फिर यदि किसान है उसको नॉर्मली लीज उसकी रिन्यू हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे को लीज मिल जाती है। लेकिन यदि बेटा उसके शहर में नौकरी कर रहा है, मान लो इंजीनियर बन गया या शहर में कोई मैनेजर बन गया, तो फिर उनको लीज नहीं मिलती। फिर वो लीज किसी भूमिहीन मजदूर को दी जाती है जो कि वहाँ पे गांव में ही रहता हो और वो खुद खेती करने को तैयार हो। तो इस तरह से वहाँ पे खेती की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो खेती की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ समृद्धि ज़्यादा है, और उसकी वजह से भी इंडस्ट्री में लगाने के लिए पैसा चाइना में ज़्यादा है। तो ये 3-4 रीज़न है कि चाइना की जुडिशरी में भ्रष्टाचार कम है, नेपोटिज्म कम है, भाई भतीजावाद कम है, वकीलों के साथ साठगांठ कम है, और वहाँ ज्यूरी सिस्टम आ रही है, इससे इंजीनियरिंग वहाँ पे और बढ़ जाएगा।
वहाँ पे जमीन प्राइवेट नहीं है, जमीन का किराया सीधा सरकार को मिलता है, तो सरकार को टैक्स डालने की ज़रूरत कम पड़ती है, और उसकी वजह से ज़मीन का होर्डिंग नहीं हो रहा, ज़मीन के दाम नहीं बढ़ रहे, इंडस्ट्री को ऑफिसों को ज़मीन सस्ते में मिल जाती है, तो इंडस्ट्री ऑफिस ज़्यादा आगे बढ़ रही है। फिर मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बताया कि वहाँ पर डैम ज़्यादा है, डैम ज़्यादा है तो वहाँ सिंचाई ज़्यादा हो रही है, तो उद्योगों को पानी भी सस्ते में मिल रहा है। इंडिया में बहुत सारे उद्योग हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा। पानी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि डैम नहीं बने। डैम क्यों नहीं बने? क्योंकि हाईकोर्ट के जज ने स्टे ऑर्डर लगा के रखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्टे ऑर्डर लगा के रखा है, इसलिए वो इंडस्ट्री पानी में बैठ गई। तो ये जुडिशरी है वो बहुत तरह से हमें देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये हाईवे में भी यही प्रॉब्लम हो रही है। अहमदाबाद बड़ौदा का हाईवे है, उसको बनाने में 15 साल लगे। चाइना में ऐसे हाईवे 6 महीने में 8 महीने में बनते हैं, 15 साल क्यों लगे? क्योंकि जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट था उसको जमीन एक्वायर करने में ही 12-14 साल लगे। जमीन एक्वायर करने में क्यों 12-14 साल लगे? क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं किसी जज ने स्टे ऑर्डर डाल के रखा था, तो वो स्टे ऑर्डर से निपटने में ही उनको 12 साल लगे, लैंड एक्वायर करने में 12 साल लग गए, और उसकी वजह से पूरा हाईकोर्ट का काम है, पूरा जो ये हाईवे का काम है वो डिले हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप SMS से ऑर्डर भेजो अपने MP को कि भारत में ज्यूरी सिस्टम का कानून वो गैजेट में छापे। भारत में यदि गैजेट में ज्यूरी सिस्टम का कानून छप जाता है तो ज्यूरी सिस्टम आ जाएगी, तो चाइना से भी हमारी ज्यूडिशरी अच्छी हो जाएगी और ये स्टे ऑर्डर का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, और ये भाई भतीजावाद जो कोर्ट में चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो MRCM का लॉ है, Chapter 5 में मैंने डिस्क्राइब किया, ये मेरे पार्टी का मैनिफेस्टो है, राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो, rahulmehta.com/301.htm पे मिलेगा आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके Chapter 5 में मैंने MRCM रखा है, यानी मिनरल रॉयल्टी जब सीधी सिटीजन को मिलेगी तो उससे ज़मीन का दाम कैसे कम होगा, कि सरकार की ज़मीन से जब किराया लिया जाएगा तो बहुत सारी संस्थाएं जिन्हों के पास मीलों की मील ज़मीन वो लेके बैठे हैं, कुछ उपयोग नहीं कर रहे उसका। जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी है, उसने वाइस चांसलर को बंगला दे के रखा है, बंगले में स्विमिंग पूल बनाने की बात चल रही है। वाइस चांसलर गुजरात वाइस चांसलर है, वो बोलता है मुझे बंगले में ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बनाना है, क्योंकि इतनी सारी जगह खाली पड़ी है, मुझे स्विमिंग पूल बनाना है। अब क्या जरूरत है उसको बंगला देने की? 4-5 बेडरूम का फ्लैट दे सकते हो वाइस चांसलर को। इसी तरह से ये IIM में चले जाओ तो हर एक प्रोफेसर को बंगले दे के रखे हैं, उस बंगले की मार्केट वैल्यू अब तो 2-4 करोड़ हो गई होगी। 4 बेडरूम का फ्लैट दे दो, मैक्सिमम 5 बेडरूम का फ्लैट दे दो, बहुत हो गया। तो 100 एकड़ का प्लॉट है IIM अहमदाबाद का, गुजरात यूनिवर्सिटी का 400 एकड़ का प्लॉट है। जब उनको बोला जाएगा कि भाई किराया निकालो, तो IIM खुद बोलेगा कि भाई ये 10 एकड़ हमारे लिए बहुत है, ये 90 एकड़ ले जाओ। तो वो 90 एकड़ सरकार इंडस्ट्री को दे सकती है किराया पे, तो ऑटोमेटिकली उससे लैंड के प्राइस कम हो गए और इंडस्ट्री बढ़ेगी। फिर चाइना में एक और भी है कि वहाँ पे मिक्स यूज़ बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है, जो इंडिया में नहीं है। मिक्स यूज़ बिल्डिंग क्या है कि इंडिया में आप किसी जाओगे तो एक तो पूरा बिल्डिंग है जो कि कॉमर्शियल है, और उसके आसपास कहीं रेजिडेंशियल ढूंढना है तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा, उसके 1/2 किलोमीटर 1 किलोमीटर में कहीं रेजिडेंशियल नहीं मिलेगा। चाइना में मिक्स यूज़ बिल्डिंग किस तरह से है कि बिल्डिंग का जो नीचे का 2-3 फ्लोर है वो कॉमर्शियल है, ऊपर के 4-5-10-7-8 फ्लोर है वो ऑफिस है, और ऊपर के 7-8-10 फ्लोर है वो रेजिडेंशियल है। तो कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉई है वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो उससे उनका कम्यूट टाइम कम हो गया, पेट्रोल का खर्चा भी खत्म हो गया उनका। आज बॉम्बे में क्या प्रॉब्लम है कि वो 8 घंटे नौकरी करता है लेकिन उसके 3 घंटे तो आने जाने में निकल जाते हैं, और चाइना में ये कम्यूट टाइम क्यों कम है? क्योंकि जो ऑफिस में काम करने वाला अनमेरिड लेबर है, अनमेरिड वर्कर है, वो 70-80% केस में उसी बिल्डिंग में रहता है या तो पास के बिल्डिंग में रहता है। फिर चाइना में जितने नए बिल्डिंग बने हैं, नए यानी पिछले 20 साल में, वो सब टनल से कनेक्टेड है। हर एक बिल्डिंग में एक फर्स्ट फ्लोर लेवल का टनल होता है या सेकंड फ्लोर लेवल का ब्रिज होता है, या तो हर एक बिल्डिंग में अंडरग्राउंड टनल होता है। तो मुझे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाना है तो रोड क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, तो उससे ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होता। तो जो मिक्स यूज बिल्डिंग है उसकी वजह से इंडस्ट्री की और जो ऑफिसर्स है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो ये सारे चीज़ हम भारत में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जितनी जल्दी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी उतना जल्दी हमारा इंजीनियरिंग आगे बढ़ेगा, उतना जल्दी हमारी सेना मजबूत होगी, और यदि हमारी सेना मजबूत नहीं होगी तो फिर क्या होगा, हमको अमेरिका के गुलाम बनना पड़ेगा कि चीन हमला करने वाला है, हम अमेरिका के पाँव पकड़ के कहेंगे कि भाई तुम अपने हथियार दो हमें,
अपनी सेना यहाँ पे डिप्लॉय करो और हमारी रक्षा करो। जैसे कि 1962 में नेहरू ने कैनेडी को एक लेटर लिखा था, उसने लेटर में लिखा था कि आप अमेरिका से एयरफोर्स की 6 या 8 जो भी स्क्वाडन है वो आप भारत में डिप्लॉय करो, 3 कश्मीर में डिप्लॉय करो, 4 असम में डिप्लॉय करो, और चीन हम पे हमला कर रहा है, हमारी रक्षा करो। इस तरह का लेटर जवाहरलाल गांधी ने जेएफ कैनेडी को लिखा था। और अब नौबत यही आ रही है कि जो भी प्रधानमंत्री आएगा उसको ये लेटर नहीं लिखेगा तो दूसरा लेटर लिखना पड़ेगा कि भाई भारत में आके हथियारों का उत्पादन करने की फैक्ट्रियाँ डालो। तो बात तो घूम फिर के वही आ गई। और अमेरिका हमारी रक्षा करता, उसमें नुकसान क्या है कि जिस दिन अमेरिका के साथ युद्ध होगा उस दिन तो हम लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आज चाइना हम पे युद्ध कर रहा है तो हमें डर है कि हम लड़ने के बाद हार जाएंगे, लेकिन इतना तो है कम से कम हम लड़ पाएंगे। यदि हम अमेरिका के हथियार खरीदते हैं बड़े पैमाने पर या अमरीका की कंपनियों के पाँव पकड़ के बोलते हैं कि भाई भारत में आके फैक्ट्रियाँ डालो, तो जिस दिन अमरीका के साथ युद्ध होगा वो अपना किल स्विच ऑन कर देंगे, एक भी हथियार काम नहीं करेगा। प्लेन अमेरिका का है वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा एक बार वो किल स्विच का बटन दबा देगा। तो जब अमेरिका के साथ हमारा युद्ध होगा तो हम लड़ने के काबिल भी नहीं रहेंगे, बिना लड़े हम हार जाएंगे। और इस तरह का हाल बहुत सारे देशों का हुआ है, जैसे कि लीबिया और इराक पे जब वॉर किया था अमेरिका ने, तो रशिया ने इराक के पास जो छोटे मोटे मिसाइल थे SS-1 और इस तरह के रशिया के मिसाइल थे, उसके स्पेयर पार्ट भेजना बंद कर दिया। तो इराक के आधे से ज़्यादा मिसाइल इराक फायर ही नहीं कर पाया। वो फायर करता तो भी हार जाता, वो कोई वो बात अलग है। मेन प्रॉब्लम इराक का ये था कि सदाम हुसैन ने 20 साल शासन किया, उसने हथियार बनाने की फैक्ट्रियां नहीं डाली, वो उसकी बड़ी गलती है। पर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको हाईलाइट क्या करना चाहता हूँ कि यदि विदेशों से हथियार खरीदते हुए तो एंड मोमेंट पे यदि विदेशी ताकत बिक गई तो वो हथियार क्यों काम नहीं आता, क्योंकि उसका स्पेयर पार्ट का मेंटेनेंस पार्ट भी नहीं मिलेगा। तो वो पूरा का पूरा हथियार 100 करोड़ का हथियार है, उसका 1 करोड़ का मेंटेनेंस पार्ट नहीं आया तो वो 100 करोड़ का हथियार है, वो म्यूजियम बन गया, वो टेक ऑफ ही नहीं करेगा। जैसा इराक के साथ हुआ कि उसके आधे SS-1 मिसाइल वो फायर भी नहीं कर पाया क्योंकि रशिया ने उसको स्पेयर पार्ट देने से मना कर दिया। तो इस तरह से हमें भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां डालनी चाहिए, उसके लिए हमें अपना इंजीनियरिंग सुधारना चाहिए, उसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी अदालतें सुधारने से। उसकी शुरुआत आप इस वक्त कैसे कर सकते हो, आप इसी वक्त कुछ कर सकते हो। ऐसा मत बोलो कि भाई जब तक तुम्हारे पास 500 MP नहीं आएंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक तुम्हारे पास 500 करोड़ का डोनेशन नहीं आएगा तब तक तुम कुछ। तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल से तुम अपने MP को SMS भेज सकते हो, SMS से ऑर्डर कर सकते हो कि भाई भारत में जूरी सिस्टम का कानून लाओ, और MP का नंबर आपको पार्लियामेंट हाउस के वेबसाइट से मिल जाएगा। धन्यवाद।